नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास आर्ट्स सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन। आज का टॉपिक है एशियन गेम्स। एशियन गेम्स क्या होते हैं, कब शुरू हुए, किसने शुरू किए, आज की बातों पर चर्चा करें। एशियन गेम्स जिनका संचालन 1947 में भारत के प्रथम भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशियन खेलों को चलाने पर विचार किया और एशियन देशों की एक मीटिंग बुलाई और निर्णय लिया गया कि इन खेलों को ओलंपिक की तरह शुरू किया जाए। प्रोफेसर जी डी सोधी, गुरु दत्त सोधी ने एक मीटिंग बुलाई नई दिल्ली के अंदर और एशियाई देशों में होने वाले खेलों का नाम एशियाटिक गेम रख दिया। परंतु भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशियाटिक गेम्स का नाम बदलकर एशियन गेम रखा। एशियन गेम्स फेडरेशन जिसके अंदर 9 सदस्य होते थे, उन्होंने इन खेलों को 4 मार्च से 11 मार्च 1951 नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में शुरू करवाए, जिसमें 11 देशों में 2500 प्रतिभागियों और अधिकारियों ने भाग लिया। प्रथम एशियन खेलों में कुल 57 खेल शामिल किए गए। इसमें जापान ने 24 स्वर्ण पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत ने 15 स्वर्ण पदक जीतकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया और ईरान ने 8 स्वर्ण पदक जीतकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रोफेसर जी डी सोधी, जो कि एशिया खेलों का पिता कहा जाता है, एशियन खेलों का नामकरण भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। एशियन खेलों का उद्देश्य हमेशा आगे की ओर प्रथम एशियन गेम्स ये 16 वर्ष तक लॉन्ग जंप में भारतीय एथलीट योहान ने कीर्तिमान स्थापित किया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सर्वाधिक 4 बार एशियाई खेल हो चुके हैं। 1966 में, 1970 में, 1978 में और 1998 में। जिस प्रकार ओलंपिक खेलों की कार्यकारिणी IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी
होडोरी बाप का दो
18 ऐसे खेलों में भारत ने सबसे ज्यादा एथलेटिक्स में पदक प्राप्त किए, टोटल 19, 7 स्वर्ण 10 पदक और 2 कांस्य के साथ 19 पदक प्राप्त किए। पहला स्वर्ण पदक भारत ओर से बजरंग पुनिया ने प्राप्त किया जो कि कुश्ती का खेल है। स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम 18 ऐसे केवल प्रथम भारतीय महिला विनेश फोगाट जो कि एक भारतीय पहलवान है। भारत ने नौकायन में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। भारत की कबड्डी टीम ने भारत की ओर से कबड्डी टीम ने पुरुषों ने कांस्य पदक प्राप्त किया और महिलाओं ने रजत पदक प्राप्त किया। शॉर्ट पुट के अंदर तेजेंद्र पालपुर ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने और 800 मीटर में मनजीत सिंह ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया जो टीम जीत डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला बेदर का गांव से संबंध रखता है। ट्रिपल जंप में अरविंद सिंह ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया और 4,500 मीटर रिले दौड़ में महिलाओं ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। बॉक्सिंग में अमित पंघाल ने 18वें एशियन खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और ब्रिज इवेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस प्रकार 2018 के 18वें एशियन खेलों में भारत ने 8वां स्थान प्राप्त करते हुए 15 स्वर्ण 24 रजत और 30 कांस्य पदक प्राप्त करके कुल 69 पदक प्राप्त किए। आज का ये टॉपिक अपना यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।